दिया कि आप डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, आप कामयाब नहीं है। मैं आपको आज नुस्खा बता रहा हूं, आप एक अच्छा समोसा बनाते हैं ना, लोग लाइन में लग के देंगे। आपको मछली का मसाला लगा के फ्राई करनी आ गई है ना, मजंग जाइएगा, सर्दी जाने वाली है। V8 और रेंज रोवर से लोग उतर के लाइन में लग के असलम दारुलमाए में मछली खरीद रहे हैं। क्यों? एक मछली तलनी आती है, फ्राई करनी आती है तो लाइन लगी है, आलू चने सही बनाने आते हैं तो लाइन लग जाती है। हम सबके साथ MA करते हैं, BA करते हैं, MPhil करते हैं, PhD करते हैं और होते नालायक आते हैं। प्रॉब्लम ये है, एक भी स्किल हमें नहीं आती। आप किसी ज्यादा पढ़े लिखे बंदे को सफा दीजिएगा, वो एक सफा क्रिएटिव राइटिंग का नहीं कर सकता। उसके पास एक जुमला बनाने की सलाहियत नहीं है जिस जुमले को सुन के लोग कहें वाह यार क्या कमाल जुमला। तो आप सब अब जो एक्टिविटी है वो इस तरह करनी है कि मोबाइल फोन का कैमरा निकाल लीजिए। रजब मजारी एक कहानी है, हमारी फाउंडेशन इस तरह की हजार कहानियां लेके बैठी हुई है जिसमें जीरो से किसी ने शुरू किया, पूरी एम्पायर खड़ी कर दी। ये पॉजिटिविटी की कहानी है। तो खुदा के लिए नंबर वन अपनी जिंदगी में क्या चीज बढ़ानी है? क्रेडिबिलिटी, रिस्पेक्ट, ये बढ़नी चाहिए किसी संगत में जाकर। इसीलिए हजरत अली करमनाबाद ने फरमाया कि बड़ा बंदा वो नहीं जिसकी महफिल में बैठे वो बड़ा हो, बड़ा बंदा वो जिसकी महफिल में बैठे वो बड़े हो। आपकी जुम्मे में इजाफा हो, आपको हवाला दो, आपको नस्बत दो। मैंने अपनी आंखों से यह नजारा देखा। जैदी साहब एक दफा एक मैं महफिल में मजलिस में था, छोटा था उम्र, एफएससी का स्टूडेंट था, सारे बुजुर्ग बैठे हुए थे, एक साहब ने बताया ये वो शख्स है जिसके कदम मुबारक जो है वो खाना काबा के अंदर भी हुए। मैं कसम खाने को जो आया सफेद दाढ़ी और सफेद बालों के साथ पांच बंदे उस शख्स के पांव छूए क्योंकि नस्बत काबिल नहीं थी। नस्बत नहीं थी, नस्बत जो थी मक्का की। एक बात याद रखिएगा, आपका हवाला आपकी रिस्पेक्ट को बढ़ाता है, आपका हवाला आपको इक्लाइन करता है। इंसान सिर्फ अपने दोस्तों से नहीं पहचाना जाता, ये नया जुमला नहीं है, इंसान अपने दुश्मनों से भी पहचाना जाता है। आप ये जरूर देखिएगा अगर आपके खिलाफ वो क्रिटिसाइज कर रहा है, पोस्टर खिलाफ लगा रहा है, तस्वीरें उसका मानी चेंज करके लगा रहा है, आपके खिलाफ कंपेन लॉन्च हो जाती है, आप टिकटॉक पे नंबर वन हो जाते हैं, जरूर देखिए उस सारे लॉकडाउन में क्रिटिसिज्म में टॉप पे कौन है और जाके ढूंढ लीजिएगा वो सारे नाकाम लोगों को। कभी मुस्बत बंदा मनफी काम में शामिल नहीं होता, कभी अच्छा बंदा अपनी एनर्जी को टांग खींचने पे नहीं लगाता, कभी मनफी बंदा उसको मुस्बत बात समझ नहीं आती, उसके सामने हाथी रखे वो लोटे में डालता। तो आप सब जो यहां मौजूद हैं, जमाना चेंज होने को जा रहा है, मैं आप सबके सामने एक एक्टिविटी करवाना चाहता हूँ। आप सब अपने मोबाइल फोन के व्हाट्सएप ग्रुप निकाल लीजिए जो यहाँ ऑफिशियल की कहानी सुनिए। आप कभी मेरे मुर्शिद नवीद मजीद साहब की कहानी सुनिए, आज आपने अपने कानों आंखों से मेरे बिलव जाहिद छिप्पा साहब की कहानी सुनिए। आप इन सब कहानियों को सुन के अगर आपके अंदर से निकलता है माशाल्लाह पॉजिटिव पर्सन, आप उस पर और अगर क्लैपिंग से पता लग रहा है कितना माशाल्लाह किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। मन भी
बड़ी हर्डल खुद होता है। मैं खुद ही हूं अपने आप के पीछे पड़ा हुआ, मेरा शुमार भी तो मेरे दुश्मन होगा। जब आप अपने दुश्मन को देखें, जब आपका पट्टा डालने के लिए आप खुद काफी हैं, आपको कोई आके डंडा मारने लगता है आप कहते भाई ना मार, मैं खुद अपने आप को मार दूंगा, क्योंकि मैंने पीएचडी नेगेटिव थिंकिंग की है, मैं ब्लू टिक हासिल हूं। ये भी नई टर्म है, ब्लू टिक हासिल। तो तरक्की नहीं कर सकते। तरक्की करने के लिए तीन चीजें जरूरी है। पहली चीज मैंने क्या बताई, तरक्की करें, इज्जत बढ़ेगी आपकी, क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, लोग एतबार करेंगे आपकी बात पर, एतबार करेंगे। हसीब साहब आपका, मेरा, हम सबका, जो टीचर्स बैठे हैं, हम सबका एरिया बोलने का है। आज का जमाना जिसमें लोग अब्बा की नहीं सुनते, अगर हसीब खान, कासिम अली शाह, जैदी साहब की, निजाम साहब की, मेरे भाई रज़ा रहमान की बात सुन लेते हैं, छोटा जमाना नहीं है, अब्बा की नहीं सुनते। आज के जमाने में दुकान पर, चून की दुकान पर सस्ती चीनी, सस्ता आटा हो जाए, नहीं बिकता, हमारी बात बिक जाती है भाई, छोटी बात नहीं। मेरे टीचर, मेरे बडीज, और सबसे बढ़ के मेरे फैमिली, मेरे